नाइन्थ क्लास चैप्टर 5 वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ज्योग्राफी का वाइल्ड लाइफ टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो तक हमारे मैनग्रोव तक सारे वेजिटेशंस टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फूना। अगर हमारी कंट्री में, इंडिया में फ्लोरा पाया जाता है तो फूना भी पाया जाता है। अगर प्लांट्स हैं तो एनिमल्स भी हैं। एंड हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 19,000 ऑफ एनिमल स्पीसीज़ हैं जो कि पाई जाती हैं। एंड कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। दे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। अगर कंट्री के अंदर 2,000 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स भी हैं, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड में हमारा देखेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूट कितना है, 30% है इनका। एंड देयर आर 2,546 स्पीसीज़ ऑफ फिश की हैं, विच अकाउंट फॉर नियरली 20% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक में आते हैं हम। इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस एंड रेपिटाइल्स एंड मैमल्स पाए जाते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं स्टूडेंट, जो लैंड पे भी सर्वाइव करते हैं, वाटर में भी करते हैं एनिमल। रेप्टाइल्स मीन्स होता है जो कि रेंग के चलते हैं, सांप वगैरह, स्नैक हो गए। और मैमल्स मीन्स होता है स्टूडेंट जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, एनिमल लाइक एलिफेंट जो कि अंडे नहीं देते हैं। तो ये वर्ल्ड में 5 से 8% का इनका शेयर है एनिमल में। एंड द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। एलिफेंट जो है बहुत ही ज़्यादा एक मैमल भी है और ऊपर से बिग एनिमल माना जाता है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम में, कर्नाटक में, केरला में पाया जाता है। वन हॉर्न रिनोसेरॉस आर द अदर एनिमल्स। कुछ और भी एनिमल्स है लाइक जिसका आप 12 सिंगा देखेंगे, या फिर वन और जैसे कि वन होर रिनोसेरॉस यानी जिसके एक सिंग होता है, तो जो कि स्वैम्पी और मर्शी लैंड ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। स्टूडेंट अंडरलाइन कर लीजिए, और मैप में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के प्रस्पेक्टिव से क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको असम, वेस्ट बंगाल और कौन सा एनिमल कहाँ पाया जाता है पता होना चाहिए। एंड एरिड एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट आर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एस एंड कैमल रिस्पेक्टिवली। और वेस्ट बंगाल के अलावा जैसे कि अभी हम देखेंगे जो डेजर्ट वाले एरिया रन ऑफ कच्छ में, तो वहाँ पे और भी एनिमल्स हैं जो सरवाइव करते हैं, जो कि जंगली गधा है, ऊँट है, ऑलरेडी वो वहाँ के आदत में अडेप्ट कर रखा है उन्होंने वहाँ का एटमोसफेयर। इसलिए ये इस तरीके के अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल पाए जाते हैं, डिफरेंट वेराइटी है। इंडियन बाइसन, नीलगिरी जो कि जिसे ब्लू बैल भी कहते हैं, और चौसिंगा जैसे कि 4 सींग वाला, एंटेलोप, गैजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। और भी स्पीसीज हैं लाइक डियर की, और भी एनिमल्स हैं जो कि पाए जाते हैं, लाइक सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज़ की भी हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट डिफरेंट वेजिटेशंस के, जैसे हमने टॉपिक देखे थे, इसी तरह के डिफरेंट एनिमल्स भी हैं जो सर्वाइव करते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती रहती है टाइम टू टाइम, क्योंकि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1972 में किया था। इंडिया इज़ द ऑल्सो कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें टाइगर्स और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लायन इज़ गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जैसे कि नेचुरल हैबिटेट ऑलरेडी है वहाँ पे इंडियंस लायन के लिए, तो वो कहाँ पर है, गिर फॉरेस्ट में, और वो भी गुजरात में। टाइगर भी हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो दोनों डिफरेंट हैं, टाइगर्स और लायन। और सुंदरवंस ऑफ वेस्ट बंगाल में द हिमालय रीजन पे, एंड लेपर्ड्स मेंबर ऑफ कैट फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट एनिमल है प्रे के अकॉर्डिंग, जैसे शिकार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनको भी एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है। एंड द गिर फॉरेस्ट, जो ये लायन की पिक्चर देख रहे हो, ये गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और ये एसिटिक लायन कहलाते हैं। और इम्पॉर्टेंट अभी इनकी हैबिटेट है, यहाँ का इनको हैबिटेट है एटमोसफेयर का, इसलिए ये यहाँ पे पाए जाते हैं। एंड द हिमालय हर्बर हार्डी रेंज ऑफ हिमालयाज। अगर हिमालय में देखोगे तो वहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा हार्डी रेंज ऑफ एनिमल पाए जाते हैं वो उसी को सर्वाइव करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे लद्दाख, फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, अहोम, याक, शैगी, हॉर्न, वाइल्ड ऑक्स वेगिंग अराउंड 1 टन, मतलब इस तरीके के एनिमल पाए जाते हैं। और
तिब्बतन एंटेलोप है एंड भराल है, ब्लू शीप एंड वाइल्ड शीप है, किंगन तिब्बत वाइल्ड एस एंड फर्दर मोर आईबैक्स बियर्ड स्नो लेपर्ड एंड वेरी रेयर रेड पांडा। रेड पांडा बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, फाउंड इन सर्टन पॉकेट्स इन द रिवर लेक कोस्टल एरिया। ये जितने भी अलग अलग एरियाज हैं तो उनमें अलग अलग ही पाए जाएंगे, जैसे टर्टल, क्रोकोडाइल, ग्राय, घड़ियाल, ये भी एनिमल्स ही हैं जो कि यहाँ रिवर और कोस्टल लेक के पास पाए जाते हैं। लेटर इन द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टूडे। और अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं क्रोकोडाइल्स की जो आज संसार में पाई जाती हैं। वर्ड लाइफ भी इंडिया के अंदर है कलरफुल, आप अलग अलग बर्ड्स देखेंगे जैसे पिकॉक है और फीजेंट्स, डक्स और पैराकेट्स, क्रेन्स, पीजेंट्स एंड सम ऑफ बर्ड्स इनहैबिटेटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री। यानी फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं और वेटलैंड में भी पाए जाते हैं। तो वी हैव सेलेक्ट अवर क्रॉप, जैसे कि हम अपनी क्रॉप सेलेक्ट करते हैं बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट से एंड फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंट सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एनिमल्स हैं या वेजिटेशंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंस में साफ साफ पता चलता है कि किस तरीके से हम उनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं मेडिसिनल प्लांट पे। एनिमल है जो कि हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मिल्च एनिमल है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइड ड्रॉट, पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट, एक्स, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। फिश है जो हमें न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करती है। इंसेक्ट हैं जो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, ट्रीज एक्सेट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स। तो कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल करने वाले इंसेक्ट्स भी हैं, जैसे कि इंसेक्ट हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो आप यहाँ देख रहे हो बेनिफिट कितना है इकोसिस्टम के अंदर, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। एडिबल प्लांट्स होते हैं, क्रॉप हैं जो हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। तो हमें इन्हें कंजर्व भी तो करना चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर कंजर्व नहीं करेंगे और एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो प्लांट और एनिमल क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्ब जो हो रहा है हमारी वजह से, तो हमें उन्हें बचाना चाहिए। क्यों, अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज़ हैं जो डेंजर में है, 20 स्पीसीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुकी हैं बिल्कुल, तो कुछ एनिमल स्पीसीज़ हैं जो भी डेंजर्स में है और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हमें दोनों का ध्यान रखना है। द मेन कॉज फॉर द मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग फायर ग्रीडिंग हंटर्स। मेन जो आप देखोगे जो लालच है मनुष्य का शिकार करना कमर्शियल पर्पज़ के लिए, एनिमल्स को बेचना, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। एंड पॉल्यूशन देखेंगे, केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट जो होता है डिपॉजिट हो जाता है। और आप देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ एलियन स्पीसीज हैं एंड रैकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड इनहैबिटेशन। अपने हैबिटेशन के लिए, रहने के लिए और खेती करने के लिए हमने जिस तरीके से फॉरेस्ट को काटा है, तो किस तरीके से आप देखेंगे हम उनके हैबिटेशंस को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, इम्बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो, तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इसी तरीके से फ्लोरा फोना को कंट्री के अंदर प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। 14 बायो स्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं जिसमें फ्लोरा और फोना को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके अंदर एक ऐसा आर्टिफिशियल लुक दिया है जिसमें कि प्लांट और एनिमल रह सकें और उनको ऐसा लगे कि हाँ वो उनके लिए हैबिटेट है। एंड सुंदर वन है जो कि वेस्ट बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, नीलगिरी भी जो केरला कर्नाटक तमिलनाडु में है, एंड इंक्लूड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो स्फीयर रिजर्व। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइड इन मैनी बायो टेक्निकल गार्डन बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। इसी तरीके से बहुत सारे बायो टेक्निकल गार्डन्स बनाए हैं, उसमें फाइनेंशियल्स और टेक्निकल असिस्ट करती है गवर्नमेंट। और ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर हैं, प्रोजेक्ट रिनॉन है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं जो कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे चलाती रहती है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट इनमें इंक्लूड करती है। एंड 89 नेशनल पार्क्स हैं, 419 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं जो सेटअप करे गए हैं, उनको नेचुरल हेरिटेज बनाया गया है। इस तरीके से नेचुरल एटमोसफेयर बनाया है कि एनिमल्स, बर्ड्स या फिर
प्लांट्स हैं वहाँ पे सर्वाइव कर सकें. एंड ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर अवर ऑन सर्वाइवल. और सेकेंडरी गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, सेकेंडली हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि इकोसिस्टम की हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट कितनी है. क्योंकि अगर हम ही अपनी नीड्स को इतना इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो इतना नहीं होगा. क्योंकि हमें अपने आप को, अपनी नीड्स को कंट्रोल करना है और इंडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रक्शन नहीं करना नेचुरल एनवायरनमेंट का. और क्योंकि वो सीधे सीधे हमें कहाँ ले जाएगा, इमीडिएटली एंड पर. एक दिन सब कुछ अगर ख़त्म हो जाएगा तो लाइफ बिल्कुल भी नहीं रहेगी. तो इसलिए नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की हर एक ह्यूमन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अनडिस्क्रिमिनेट, अंधाधुंध किसी भी चीज़ को यूज़ ना करे, जितना है उनको कंजर्व कर सके. अगर एक प्लांट हमें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन वो है जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है. अगर आप कट कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा आपको प्लांट लगाने चाहिए.